The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So ab baat karte hain side effect ki. So सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स के साइड इफेक्ट हैं, बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल, साइड इफेक्ट के साथ साथ इनकी यूजेबिलिटी बहुत सारी है. मान लीजिए ऐसे भी सर्म्स आएंगे आगे चल के जो सिर्फ और सिर्फ गोनेडोट्रोपिन नाम के जो आपके गोनेड्स हैं, आपके जो एक्चुअल सेक्स ग्लैंड्स हैं, उनको इनहिबिट करेंगे, आपके गोनेड्स को इनहिबिट करेंगे लेकिन प्रोस्टेट को छोड़ देंगे. बाकी ऐसे सर्म्स आएंगे जो कि मेल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होंगे. फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन तो यूज़ होते ही होते हैं आज के डेट में, लेकिन मेल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होने वाली भी दवाएं आगे चल के आएंगी. ऐसे भी सर्म्स आएंगे जो कि सिर्फ सेक्शुअल मोटिवेशन को बढ़ाएंगे, और ऐसे भी आएंगे जो एनाबॉलिक आपके स्टिमुलेट करेंगे एनाबॉलिज्म और आपके एंड्रोजन्स को इनहिबिट करेंगे, एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स को इनहिबिट करेंगे. ऐसे अभी एक एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, MK4541 नाम का एक जो सर्म है वो ऐसा माइस में ऐसे साइंस दिखा रहा है इन ट्रायल्स, राइट, इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स. बट एक्चुअल क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन में क्या साइड इफेक्ट आएंगे किसी को नहीं पता. क्यों? क्योंकि ये आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप मानेंगे जब इनिशियल सर्म्स आए थे 2008 में जो ओलंपिक्स में कई एथलीट्स ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. एंड्रीन करके एक सर्म आया था S4 नाम का, उसको कई लोगों ने यूज़ किया और यूज़ करने पे उनको नाइट ब्लाइंडनेस, उनके आँखों में विजुअल लॉस और कई लोगों को कलर विजन लॉस, ये सब लॉस हुए. तो उससे पता, उसके बाद फिर ये बैन हो गए, फिर इनके ऊपर रूल्स आ गए, ये आ गए भाई साहब इसको यूज़ नहीं करना, इनके खिलाफ टेस्ट भी आ गया, राइट. इवन जो दूसरे हैं जैसे GW501516 नाम का है, GW501516 जिनको कार्डरीन कहते हैं, इसको भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग कहते हैं, ये भी आपके सिंपथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, करता है, बिल्कुल करता है, मगर इससे कैंसर भी हो जाता है. इससे ये कार्सिनोजेनिक पाया गया कि ये मॉलिक्यूल जो इन्होंने साम बनाया था, इससे थोड़े से हाई डोज में लैब रैट्स को कैंसर होने लग गया. सो यू नेवर नो व्हाट यू विल गेट बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. आपको पता नहीं है आपको क्या होगा आगे चल के, क्योंकि इन पे रिसर्च चल रहा है. रिसर्च हो सकता है आगे चल के गड़बड़ निकले, हो सकता है पॉजिटिव निकले. सो अभी यूज करना पाप है, गलत है, राइट. एक आता है ऑस्टरीन MK2666, इससे भी देखा गया है टेस्टोस्टेरोन कम होगा. एक आता है LGD4033 एनाबॉलिकम लिगेंड्रोल जिसको वो कहते हैं, उससे भी टेस्टोस्टेरोन कम पाया गया कि टेस्टोस्टेरोन आपके इनहिबिट हो रहे हैं. आप उनको चाहे 4-4 वीक के साइकिल में लो, चाहे 4 वीक गैप लो, चाहे 2-5 ग्राम लो, चाहे 15 ग्राम लो, आपके टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट हो रहे हैं. आपकी मसल थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है, थोड़ी बहुत बोन ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी सेक्स ड्राइव कम हो रही है, राइट. LGD4033 जो है उसका फैट पे कोई इफेक्ट नहीं है. फैट ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, आपकी सिर्फ मसल गेन होगी, राइट, उस दवा से. उस पर भी अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है. और एक दवा है जिसका नाम है SR9009, जिसका नाम है स्टेनोबॉलिक. स्टेनोबॉलिक जो है उसको ऐसे बोल के बेचा जा रहा है एक्सरसाइज इन अ पिल, क्योंकि वो भी सिंपथोमाइमेटिक है, आपके अंदर बॉडी में फैट बर्निंग बढ़ा देगा. और इवन रैट्स में जिसमें इंजेक्शन से एक्सपेरिमेंट में वो डाला गया, उनमें बिना कुछ दिनचर्या के चेंज किए उनके 60% तक फैट लॉस हो गया. 60% फैट लॉस बहुत बड़ी बात है, बढ़ गया है ना, 60% फैट लॉस बढ़ गया. लेकिन जब उसको ओरली दिया जाता है, जो कि जिस नाम से उन्हें बेचा जा रहा है एक्सरसाइज इन अ पिल, ओरली दिया जाएगा, तो जानवरों की बात है, ह्यूमन ट्रायल का पता नहीं. ह्यूमन ट्रायल में अगर उनको ओरली देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 2% है, सिर्फ 2%, यानी कोई काम का नहीं, राइट. सो दैट्स द पॉइंट. सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है. जब एक बिजली का बल्ब बनाना था, 10,000 बार फेल हुए थे हमारे रिसर्चर्स. तो आज के डेट में अगर कोई अच्छी चीज़ बनानी है तो उस बीच में रास्ते में फेलियर वाले चीज़ें या थोड़ी सी प्रॉमिसिंग वाली एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को इलीगली मार्केट किया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है. इंडिया में कई लोग ये यूज़ कर रहे हैं, एनाबॉलिकम यूज़ कर रहे हैं और उल्टे सीधे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ये सोच के कि उनकी मसल बिल्डिंग बढ़ जाएगी, जबकि उन्हें नहीं पता कि आगे चल के क्या साइड इफेक्ट होगा. तो प्लीज़ डोंट यूज़ साम्स. सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, इसके साथ कई तरीके के और चीज़ें चल रही हैं. सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सिलेक्टिव गोनेडोट्रोपिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब इलीगल है, ये सब आप नहीं खरीद सकते, ये सब आपको नहीं मिलने चाहिए, ये सब आपके जिम ओनर्स, जिम इंस्ट्रक्टर जो आपको दे रहे हैं इलीगली दे रहे हैं, इनको मत लीजिए. कृपया अपने शरीर के साथ में सेल्फ एक्सपेरिमेंट मत करिए. यू नेवर नो हाउ यू विल एंड अप.
सो ये हुई बात सारी अब तक की जो जानकारी है सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की. आगे कुछ जानकारी आएगी तो आपको जरूर दी जाएगी. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.